हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु बाट्स के। फ्रेंड्स, विंटर आ रहा है। मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर, जैसे मैंने ब्रीडिंग के ऊपर एक सीरीज बनाया है, आप लोग देख सकते हो। पूरा पूरी जो बिगिनर है, पूरा नॉलेज आपको उसी से मिल जाएगा। वैसे ही विंटर एक बात है ना, जो मतलब सिचुएशन आ जाने के बाद आप जो कुछ भी हो बाद में बात है, लेकिन सिचुएशन को कैसे रोके। तो ये पूजा या अभी तो सितंबर का एंड है, अक्टूबर नवंबर, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग शीत युग की ओर जा रहे हैं या जाएंगे। तो पहले से ही जानकर रखिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो ऐसे सिचुएशन में, जब ऐसे परिस्थिति से, मतलब जो वातावरण अभी है उसी से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग विंटर में घुसेंगे। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कौन सा ऐसे नेचुरल और होम्योपैथिक चीज़ है जो फर्स्ट पार्ट में बना रही हूँ, इसका पूरा सीरीज बनाऊँगा। हो सकता है हर दिन वीडियो नहीं आएगा, लेकिन सप्ताह में एक दिन दो दिन मैं सोचा नहीं हूँ अभी, इसी के चलते मैं अभी सोच नहीं पाया। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट हम बना रहे हैं, वो है आंवला के ऊपर। क्योंकि विंटर के सीज़न में मेन जो प्रॉब्लम होता है वो ठंड लगना या पॉटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा ठंड लग जाने से आपका बॉडी का जो मान लीजिए आपका बाट्स का जो बॉडी है उसका तो एक प्रॉपर, जैसे हम लोगों का बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, या दुनिया की हर कोई एनिमल का बॉडी का एक अपना एक टेम्परेचर होता है। वो अगर बाहरी टेम्परेचर के चलते थोड़ा सा अप या डाउन हो जाए, स्टेबल ना रहे, तो उसमें भी शरीर का नुकसान होता है। जैसे खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसी के चलते मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो बाट्स का भी टेम्परेचर 42-43 होना चाहिए सेंटीग्रेड, ज़्यादा ठंडा। क्योंकि देखिए बहुत कुछ इसके ऊपर निर्भर करते हैं। ये जो हम लोगों का बाट्स का इतना जो प्रॉब्लम है, अगर मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो डिप्रेशन, उसको अगर छोड़ दे, थोड़ा सा हम फिजिकली सोचे, तो हम लोगों के हिसाब से हम लोग बाट्स को रखते हैं। मैंने क्या किया था, जब बाट्स रखना चाह रहे थे, उस जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे टेम्परेचर को मैंने बखूबी महसूस किया था। मतलब उससे पहले दो सप्ताह टाना कितना टेम्परेचर फ्लैक्चुएट हो रहा है, ये सारे चीज़ के ऊपर ध्यान रखा था, तभी जाके मैंने बाट्स घर में ले आया। हंसते उतना साल पहले सोच लीजिए, लेकिन हम लोग इतने सारे चीज़ नहीं करते। घर में कोई खाला, मतलब खाली घर है या प्लेस है, वहाँ पे हम लोग बाट्स को सेटअप कर देते, ये सोच के नहीं करते हैं कि ये जो वातावरण है या हवा का गुजर हो या विंटर में कितना उस मतलब प्लेस में ठंडा महसूस करेंगे, गर्मी में कितना, बारिश में कितना, ये सारे चीज़ ना सोचते हुए हम लोग कर देते हैं। इसीलिए मैं सही गाइड करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। जो शुरुआत अगर नहीं कर, अगर कर रहे हो तो ये पोर्शन में भी ध्यान दीजिए। अगर आप मान लीजिए उस स्थान को छोड़ कर और कोई स्थान नहीं है, लेकिन उस स्थान में प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ जुगाड़ करके उस स्थान को, टेम्परेचर को कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, या नहीं तो बाट्स का शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो विंटर में मेन जो प्रॉब्लम होता है, ठंड लगना, सर्दी गर्मी, आँखों का प्रॉब्लम, कॉन्जक्टिवाइटिस उस टाइम पर भी होता है, और इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी होता है। क्यों, अभी बोला, जो बॉडी का टेम्परेचर, खाना को डाइजेस्ट करने में जो टेम्परेचर बाट्स को शरीर में चाहिए होता है, वो अगर गिर जाए तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसी से चलते लूज मोशन, डायरिया विंटर में भी होता है, ज़्यादा नहीं होता है लेकिन होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आंवला के ऊपर। मैं लेकर नहीं, मैं ये मतलब मेरा शुरू हो गया। मतलब देखिए, जो जो चीज़, बहुत सारे चीज़ मैं वीडियो में नहीं शेयर करता हूँ जो हम खुद करते हैं अपने बाट्स के ऊपर, तो उसी के चलते मैंने इसको भी सोचा था नहीं बताऊँगा, लेकिन बताऊँगा इसीलिए नहीं, जो देखिए आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही, ये सारे चीज़ जानने के लिए ना बहुत टाइम लगा, बहुत एफर्ट देना पड़ा, फिर ये कॉपी हो सकता है, इसी के चलते कॉपी हो सकता नहीं, कॉपी होता है, इसी के चलते ये मतलब सोशल मीडिया में शेयर करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए फिर बाद में सोचा, नहीं चलिए इतना कुछ शेयर कर रही हूँ तो एक आंवला के बारे में ना बोल क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सभी का भला ही होगा। तो विंटर केयर को शुरू कर रहे हैं आंवला से, ध्यान रखिए। इसीलिए इसका एपिसोड 1 नाम दिया। आगे जाके भी और भी एपिसोड बनेगा, क्या क्या हो सकता है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कौन सा होम्योपैथिक या नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स है आपको घर में होना चाहिए, मैं इसी के ऊपर भी, मतलब जैसे मेरा खुद का वी प्लस है,
और वैसे ही विंटर्स के ऊपर मैं कुछ सोच के बना रही हूँ, जो ठंड कम लगेगा, ब्रीडिंग इस टाइम पे अच्छा होगा, तो ये सारे नेचुरल चीज़ बना रही हूँ। हो जाएगा तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे वीडियो के माध्यम से। जिसको लेना होगा तब लीजिएगा, वो बाद में। लेकिन आंवला को अगर, जैसे मेरा एक खुद का फूड है DDM बोल के, अभी तक एक दो व्यक्ति को दिया, बाकी मेरा कुछ इंग्रीडियंट्स ना मिलने के वजह से मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं बार बार बोलता रहूँ तो जो आपको छोड़ने से आपको पता नहीं चलेगा क्या है क्या ना है, लेकिन मेरे मन पर प्रॉब्लम हो जाएगा जो हम गलत कर रहे हैं। इसलिए जब तक, बहुत बार हो चुका है, जब तक इंग्रीडियंट सही ना मिलते तब नहीं भेज सकते हैं ना। तो इसीलिए DDM बोल के, मतलब डाइजेशन डिटॉक्सिंग एंड इम्यूनिटी को एक साथ में बनाया। ये भी विंटर में बहुत काम आएगा। तो आंवला देखिए ऐसे एक फल है या नेचर का एक गिफ्ट है, जो चाहे इंसान हो कोई भी हो, ये हम लोग ले सकते हैं। पहले तो डाइजेशन को आपको सही करते हैं। कोई भी सीजन में इस टाइम पे भी अपना आंवला यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, क्या उसको काट करके पूरा रात भिगो के रखता ही, पहले उसके बाद निचोड़ लेता हूँ। ये भी प्रोवाइड करता हूँ आंवला का, मेरा पास खुद का बनाया हुआ चूरा है, उसको भी हम खाने के साथ प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ है, वो भी हम बताएंगे लास्ट में, होम्योपैथी कौन सा ऐसे मेडिसिन है जो इसको आंवला का प्योर आंवला मिलता है उसी से। जो ये सारे चीज़ ना कर पाओ तो उस मेडिसिन से भी कर सकते हैं। तो आंवला आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, मतलब आपका बार्स का इम्यूनिटी को ग्रो करते हैं। ज़्यादातर ये जो ट्रांजिशन होगा अभी, मतलब बारिश हो चाहे गर्मी हो, उसी के माध्यम से हम लोग शीत युग में घुसेंगे। ये जो ट्रांजिशन होगा, जो रात में ठंडा दिन में गर्मी, ये जो फ्लैक्चुएशन, इसमें आंवला बहुत बेनिफिशियल एक फल होता है, फ्रूट्स होता है बार्स के लिए या सभी के लिए। इसके साथ साथ डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, एसिडिटी गैस फॉर्मेशन को रोकते हैं। आंवला स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, विटामिन ए विटामिन सी, क्योंकि खट्टा कोई भी चीज़ में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन D3, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम का भरमार है। ये आपका फेदर को, आँखों में मान लीजिए स्वेलिंग हो रहा हो, आंवला का पानी दीजिए, आंवला को बॉयल करके दीजिए, या आंवला को डस्ट चूरा बना के आप खाइए दो। देखिएगा आपका बार्स कभी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी ट्रांजिशन हो, हमेशा फिट रहेगा। ये भी सीक्रेट मेरा एक है, जो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैं दो चार ही शेयर कर रही हूँ उसमें नहीं। आप लोग भी कीजिए, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आज गले में नहीं लगाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हैबिट नहीं है ना, प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। तो आगे बढ़िए, आंवला को हम लोग बहुत सारे फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। आंवला को कच्चा भी आप फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ डाल के दे सकते हैं। मेरे बार्स तो चाव से खाते हैं, ये आप लोग को दिखा सकता हूँ। अभी तो हाथ की वजह से हम एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं तो दिखाते। उसके बाद आप डस्ट बना के भी आप यूजली यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट फूड के साथ। DDM अगर जो यूज़ कर रहे हो उसमें मत कीजिए, क्योंकि उनमें से एक ये आंवला है। बाकी जो 19 किस्म का चीज़ों देखे मैंने बताया है, उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, वो मेरा सीक्रेट है। बाकी इसमें आंवला है, इतना जान लीजिए। DDM बोल के जो मेरा खुद का फूड है डाइजेशन डिटॉक्सिंग के लिए, इसमें आंवला ज़रूर है। तो जो लोग DDM को ऑर्डर कर चुके हो, अभी तक नहीं मिला, मिल जाएंगे पूजा के बाद ही मिल जाएंगे। मैं इंग्रेडिएंट्स ना मिलने की वजह से, क्योंकि 19 किस्म का इंग्रेडिएंट्स से मैं बनाता हूँ, इसीलिए बोला आप लोग पहचान भी नहीं पाओगे। लेकिन मैं गलत काम नहीं करता हूँ, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा, हो सकता है लेट हो या बाद में आप लोग ऑर्डर दो या ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सही चीज़ आप लोगों के पास पहुँचाना है, बस दिमाग में वही घूमता रहता है। तो ये एक बात हो गया, जो लोग यूज़ करो उसके लिए आंवला के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसको आपको विंटर सीजन में प्रोटेक्ट करेगा ठंडी से, या वेदर फ्लैक्चुएशन में बचाएगा। आंवला जिस मेल बार्ट का, मान लीजिए स्पर्म में प्रॉब्लम है, सही से ब्रीड फर्टिलिटी नहीं हो रहा है, मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। आंवला बेबीज़ के टाइम पे, बेबीज़ का जब जन्म हो रहा है शुरुआत से, अगर आंवला यूज़ कर रहे हो तो बेबी का इम्यूनिटी बहुत जल्दी ग्रो होगा और स्टेबिलिटी आएगा, डाइजेशन पावर इम्प्रूव होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर सांस लेने का, मतलब आपका लंग या फेफड़े में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करते हैं। आंवला एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है और एंटीवायरल भी है। तो ये सारे गुण प्रॉपर्टीज़ आंवला के भीतर हम लोग को मिल जाते हैं।
तो इसीलिए अभी से इसको शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। हम DDM के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आंवला को फल के हिसाब से भी हाँ शुरुआत में आपका बर्ड्स नहीं खाएगा क्योंकि बहुत ही खट्टा है, आप लोग जानते ही, हम लोग भी खाते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है आप लोग जानते ही हो, ज़्यादा हम इस वीडियो में नहीं बोलेंगे। इतना जान लीजिए जो बेनिफिट हम लोगों को मिलता है वो बेनिफिट बर्ड्स को भी मिलता है। उसका पानी बना के भी दे सकते हो, बॉयल मत कीजिए क्योंकि विटामिन से है वो डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा। कच्चा दीजिए या उसका चूरा बना के दीजिए, ऐसे कुछ फॉर्मेशन में दीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल। या पानी में आप निचोड़ के थोड़ा सा भिगो के रखिए, उसके बाद छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए, फाइन टुकड़ा, जैसे देखिए बस या ट्रेन में मिलता है छोटे पैकेट में जो आंवला 1 रुपया 2 रुपया करके, उसको फाइन कटिंग करोगे तो आप निचोड़ सकते हो पानी में। ऐसे करके अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका व्हाट्सअप में खुद नेचुरल इस भी यूज़ करता हूँ। और होम्योपैथिक में एक बात बोल दूँ, एक दवा आता है इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, जो नाम भी लिखा हुआ है थंबनेल पे, मैं तो अभी लिख नहीं सकता हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते। इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस मदर ज़रूर खरीदिए, 100 ml में खरीदिए, SBL व डॉक्टर रेगब्रेक कोई भी जर्मन या SBL को खरीदिए। सुबह के टाइम पे हर रोज़ सभी को दीजिए, इसमें इम्यूनिटी ग्रो होगा, स्टेबिलिटी आएगा, एनर्जी लेवल सारा दिन ठीक रहेंगे, मार्स आपका प्लेफुल रहेगा। जिस बार्स का डायरिया का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा, डाइजेशन इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, देखिएगा देने खाने देने के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए V+ और DDM जिसके पास है, अभी तक तो DDM 2 व्यक्ति को ही भेजा है मैंने, 2 भाई को ही भेजा है, बाकी सभी को नहीं भेज पाए, तब निश्चिंत हो जाइए। विंटर में V+ और DDM रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी देखिए बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो आप मंगवा भी नहीं सकते हो, हम भी भेज भी नहीं सकते हैं, ठीक है, इशू हो जाएगा क्योंकि खुला, मतलब जैसे क्या बोलेंगे, ये जैसे बांग्लादेश से भी मेरे को बोला था जो भेजने के लिए V+, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल इशू की वजह से हम भेज नहीं पाए। तो उन सारे लोगों के लिए, सभी स्थानों के लिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काम पर आएगा। हम इंडिया के भीतर सभी स्थानों पर या क्या बोले ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, भेज सकते हैं, या जिसके पास मान लीजिए बहुत सारे लोग हम लेना नहीं चाहते हैं तो अलग बात है। तो आप इस प्रोसेस में आगे बढ़िए, अपना बार्स को ठीक ठाक रखिए। विंटर सीजन में मान लीजिए विंटर का शुरुआत के टाइम पे घर में बेबीज़ है, बार्स के बेबीज़ है तो मर सकते हैं, तो इस टाइम पे आंवला आपका बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस मदर 3-4 में खरीदिए, होम्योपैथिक में बोल रही हूँ, जैसे हम डोजेस बताते रहते हैं उसी डोजेस से आप आगे बढ़िए, देखिएगा एक बार भी एक्सपायर नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत ही बेनिफिट है इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के फ़ायदे के लिए। ज़रूर यूज़ करना शुरू कर दीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे मत कीजिए, देखिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके बार्ड्स के लिए। तो चलिए रखता हूँ, आने वाले एपिसोड में और भी ज़्यादा डिस्कशन, जैसे जैसे एपिसोड बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्कशन भी बढ़ेगा, जो क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कौन सा वेजिटेबल्स प्रोवाइड करोगे, कौन सा पानी नेचुरल पानी प्रोवाइड करोगे, ये सारी चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।